हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। पिछले बहुत दिनों में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जिसमें पूछा गया है कि मैम, एक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत माइनर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। ये ऐसे कोई पेशेंट जिन्हें मिर्गी का दौरा आ रहा होता है और सीजर्स ज़्यादा हैं और उसके लिए वो किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपको सही डॉक्टर मिल जाता है तो आपकी आधी बीमारी ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर सही कौन सा है, उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है और उनकी डिग्रीज में या उनके काम करने में क्या फर्क है, इसकी पहचान करना भी बहुत आयत जरूरी है। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि ये डिफरेंट स्पेशलिटी जो आपकी ब्रेन या माइंड पे काम करती है, इन तीनों में फर्क क्या है। मैं डॉक्टर नेहा मेहता पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोविज्ञानी, और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो हमारे माइंड की फंक्शनिंग और इसके काम करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है उस बारे में हम बात करते हैं। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और अगर आप चाहते हैं मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना, हैंडल है डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मैं आपको बता रही थी कि एक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। सबसे पहले बात करूंगी साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट एक MBBS मेडिकल डॉक्टर है जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग साथ साथ उसके बिहेवियर में, उसके न्यूरॉन्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिनका रिलीज होना हमें सैड कर रहा है, डिप्रेस्ड कर रहा है, हम चाहते हुए भी अपने थॉट्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में एक साइकियाट्रिस्ट मेडिकल दवाइयां लिखता है जिससे दिमागी रूप से बिल्कुल परेशान पेशेंट पे दवाइयां लिखने का अधिकार है, वो है हमारा साइकियाट्रिस्ट। मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाई थी जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। अब अगर मैं अगली स्पेशलिटी की बात करूँ कि साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने या तो PhD करी है या MPhil की है या मास्टर्स के साथ काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, जो लोगों के बिहेवियर्स, वो किस हिसाब से बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी स्टडी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का काम माइनर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में थेरेपीज, असेसमेंट्स करना है। साइकोलॉजिस्ट कभी भी दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उनका काम आपको काउंसलिंग देना, साइकोथेरेपीज देना और जो माइनर लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैरिज में कोई इशू हो सकता है, आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई है, छोटा छोटा स्ट्रेस है जो आपको लगता है कि बार बार मुझे परेशान कर रहा है, साथ साथ कई ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जिसमें दवाइयां काम नहीं कर रही होती हैं या दवाइयों के साथ साथ थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसे बच्चों का केस लगा लीजिए। छोटे बच्चे जब उनको हाइपर एक्टिविटी है या उनको कोई बोलने में दिक्कत है या चलने में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केस में एक साइकोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है साइकियाट्रिस्ट के कंपैरेटिवली। तो ऐसे केसेस में साइकोलॉजिस्ट काम करता है, वहाँ साइकियाट्रिस्ट काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसके अंदर बार बार वो पागलपन जैसी बातें कर रहा है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता जा रहा है, उसे इमोशंस का पता नहीं चल रहा या फिर वायलेंट हो गया है, ऐसे में साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा एक साइकियाट्रिस्ट, जो कि मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। तो आई होप आपको इन दोनों का फर्क पता चला है। अब हम एक तीसरी स्पेशलिटी की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो का क्या मतलब है? न्यूरो का मतलब है कि हमारा दिमाग एक सेंट्रल पॉइंट है, जिसे हम कह सकते हैं एक मंदिर है। उस मंदिर के बाहर के पिलर, सीढ़ियां, आने जाने वाले लोग हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टच किया,
वो पूरा मैसेज मेरे ब्रेन तक ले जाने का काम कर रहा है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियास, ये छोटे छोटे सेल्स हैं जो ब्रेन को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। उनपे कहाँ प्रॉब्लम आई है, ब्रेन को कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, साइकेट्रिक दवाइयाँ ज़्यादा खाने का कोई साइड इफेक्ट आ गया है जिसमें ब्रेन के सेल्स काम करना बंद कर गए हैं, या उनको कोई धक्का लगा है, कोई सिस्ट बन गया है, या जैसे हम बोलते हैं कि नसें कमज़ोर हो गई हैं, पानी भर गया है ब्रेन के अंदर, किसी को ब्रेन में इंजरी हो गई है, स्ट्रोक आ गया है, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई है, ऐसे काम में, ऐसी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो अगर आपको क्रॉनिक डिप्रेशन है, ऐसे में आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। लेकिन अगर आपको बार बार मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और वो दौरे में झाग भी निकल रही है, जुबान भी कट रही है, चोटें भी लग रही हैं, तो ऐसे में साइकियाट्रिस्ट से ज़्यादा अगर हम एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, ब्रेन में चोट लगी थी और उसको इमोशंस नहीं आ रहे हैं, वो अजीब सी बातें करने लग गया, ऐसे में एक न्यूरोलॉजिस्ट की ज़्यादा मदद। इसलिए अपने साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम में न्यूरोलॉजिस्ट के पास मत भागें, साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम में दवाइयाँ लेने मत भागें। इन तीनों की अपनी स्पेशलिटी है और आपको उसे पता होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अंधाधुंध एक स्पेशलिटी की दवाइयाँ खाते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों ही मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो MBBS के बाद अपनी DMB और MD अपनी स्पेशलिटी फील्ड में करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट पैरामेडिक्स या डॉक्टरेट PhD हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आप तीनों के डिफरेंस को अच्छे से समझा पाई होगी। अब आपने अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए डर डॉक्टर को अप्रोच नहीं करना है। अगर आप भी मेरी इस वीडियो से सहमति रखते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि प्लीज़ लोग गलत डॉक्टर के पास ना जाएं। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सी और वीडियोस लेकर मैं आप तक पहुंचती रहूं और आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। साथ साथ अगर आप मेरे साथ कोई सेशन बुक करना चाहते हैं तो www.drneha.com पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल के नाम से हूँ। जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब कर दें।